वेलकम एवरीवन। सीजन 3 का फाइनल एपिसोड आ चुका है द बॉयज का, और इधर बच्चे ने ही गेम पलट के रख दिया। सारा गेम उल्टा हो गया और बुचर तो भाई ये आदमी नुकसान में ही जिएगा क्या लाइफ टाइम। वेल, आज हम इस द बॉयज के सीजन 3 के फाइनल एपिसोड का ब्रेक डाउन करेंगे, तो चलिए अब जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग ही इसके आने वाले सीजन के विलेन से हुई है, होमलैंडर और रैन। जी हाँ, दोनों बाप बेटे अब ईविल बन चुके हैं, और सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि कुछ लोगों ने, मतलब होमलैंडर के फैन बेस ने, इन दोनों को एज अ ईविल एक्सेप्ट भी कर लिया है। यहाँ पर होमलैंडर आता है रैन से मिलने, और आंट क्रेज भी यहाँ पर आती है, पर ऑब्वियसली वो यहाँ पर एक मक्खी की तरह है। होमलैंडर के सामने वो कुछ भी नहीं है। रैन के साथ होमलैंडर मिलकर अपनी एक फैमिली कंटिन्यू करना चाहता है, जब से उसे पता पड़ा है कि उसका बाप सोल्जर बॉय है और वो जिंदा है, पर किसी ने उसे बताया नहीं। ब्लैक नॉर ने भी नहीं बताया जानते हुए भी, इसलिए होमलैंडर उसके ऊपर गुस्सा हुआ और यहाँ पर होमलैंडर ने उसे ख़त्म कर दिया। पर मुझे लगता है कि नॉर शायद ही मरेगा, ये मरा नहीं होगा क्योंकि वो बेसिकली ज़्यादा टाइम टिक ही जाता है, पर ए ट्रेन जैसी किस्मत नहीं है ना उसकी, तो कुछ नहीं कह सकते कि आगे चल के क्या हो, जिंदा है कि नहीं कुछ नहीं कह सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि दो कैटेगरी के लोग हैं, मतलब कि एक स्टारलाइट के साइड वाले, एक होमलैंडर के साइड वाले, और दोनों आपस में भिड़ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इतने में ही हम वॉट टावर में देखते हैं एशली और डीप को, जो कि दोनों बात कर रहे हैं कि कोर्ट से ऑर्डर मिल चुका है मेव को ढूंढने का, वारंट मिल चुका है और पुलिस आ रही है मेव को लेने टावर में, इसलिए एशली और डीप मिलके मेव को कहीं और भेज देते हैं। पर मेव कोई आम इंसान तो है नहीं, सेकंड मोस्ट पावरफुल है वो होमलैंडर के बाद द सेवन में, तो इसलिए वो रास्ते में ही अपना जलवा दिखा के निकल लेती है, भाग जाती है वार्ड के सिक्योरिटी गार्ड्स को मार के। बुचर भी इतने में पूरी तैयारी करता है नॉयर और होमलैंडर को मारने की सोल्जर बॉय के साथ, और इधर लगा कि शायद आगे चल के होमलैंडर के साथ सोल्जर बॉय हो लेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। और इधर सोल्जर बॉय भी थोड़ा इमोशनल लगा, क्योंकि वो भी एक फैमिली चाहता था, अपने बेटे को मारने जाएगा तो उसे भी थोड़ा इमोशनल होना तो बनता है। दूसरी तरफ एमएम और फ्रेंची एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और दवाई ढूंढते हैं जो कि सोल्जर बॉय को सुला सके, क्योंकि उसको मार तो सकते हैं नहीं, रशियंस भी नहीं मार पाए थे, ये क्या मारेंगे। इसके बाद एंट्री होती है नॉयर की वॉट टावर में, और सीधा होमलैंडर के सामने आता है। पहले तो लगा कि गया, पर अभी तो बच गया, पर बाद में मार देता है इसको होमलैंडर। मेरे हिसाब से इसे नहीं जाना चाहिए था होमलैंडर के सामने टावर में वापस। अब वैसे भी होमलैंडर की टीम में एट्रेन, डीप और एशली बचे हैं, जो कि मुझे लगता है कि उसके अगेंस्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो इन तीनों को अंदर से गहरी चोट पहुंचा चुका है। बुचर इधर ह्यूई को बेहोश कर देता है, क्योंकि वो उसे अपना छोटा भाई मानता है और वो नहीं चाहता कि उस पर कोई खतरा है, कोई आँच आए, और उसके साथ जाता तो टैंप पी लेता और लेता तो लेने के देने पड़ जाते, इसलिए मतलब समझ जाओ वो उसकी केयर करता है, और वापस से वो अपने एक छोटे भाई को नहीं खोना चाहता। और एंड में बुचर जैसी हालत हो जाती है उसकी, अगर वो वापस टैंप पी ले लेता तो। पर हम जानते हैं कि बुचर ने ये क्यों किया, मतलब सारी डिटेल हमें पता ही है। वैसे अब बुचर के पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, बट स्टिल देखते हैं कि वो क्या करता है, विक्टोरिया न्यूमैन को मारने वाले प्लान को किस हद तक कामयाब कर पाता है, जो कि अब वाइस प्रेसिडेंट है। एट्रेन इधर अपने भाई से माफ़ी मांगता हुआ दिखा, जो कि अब चल नहीं सकता है और इसकी दिक्कतें तो अब सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रही है। और इधर ह्यूई और एनी वापस साथ में आ गए, जो कि अच्छा है दोनों के लिए, क्योंकि अगर अलग अलग रहते तो मरते ही। मेव इधर एमएम के घर पहुंच गई, और ये सारे मिलके प्लान बनाते हैं सोल्जर बॉय और होमलैंडर को मारने का, जो कि बिल्कुल भी सक्सेसफुल तो नहीं हुआ। और जैसा कि मैंने कहा था कि ये दोनों सोल्जर बॉय और होमलैंडर, सोल्जर बॉय तो खास तौर से थोड़े टाइम तक रहेगा इधर इस सीरीज में, और मेव दुनिया की नजरों में अब मर चुकी है, और अब वो अपनी सुखी जिंदगी अलग गुजारेगी अपने गाँव में अपने लाइफ पार्टनर के साथ। मुझे लगता है कि आगे की फाइट्स तगड़े होने वाली है सीजन 4 में चल के, इसलिए इन सभी को, जो भी नॉर्मल ह्यूमंस है, उन सभी को एक एक शॉट ले लेना चाहिए कंपाउंड वी का। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगले सीन में अपने अड्डे पे सोल्जर बॉय और बुचर बैठ के अपने डैडी इश्यूज शेयर करते हैं, और दोनों का ही मामला खराब है। अब यहाँ पर इनकी बात सुन के लगा कि सोल्जर बॉय इधर डील तोड़ेगा, क्योंकि होमलैंडर उसका बेटा है, पर इधर उसने अपना वादा रखा, पर बुचर ने अपना स्टैंड नहीं लिया क्योंकि रैन बीच में आ गया ना, और सोल्जर बॉय रुकने वालों में से है नहीं। अब हम नेक्स्ट नॉयर और होमलैंडर का यहाँ पर सीन देखने को मिलता है, जिसमें नॉयर यहाँ पर मारा जाता है, और होमलैंडर से इसे ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं होगी। बुचर की टीम यहाँ पर उसके अड्डे पे आती है सोल्जर बॉय को मारने पर, यहाँ पर मेव का मन बदलता है और वो होमलैंडर को मारने के बारे में ज़्यादा सोचती है एक डिस्कशन के बाद। इससे सब शॉक्ड है यहाँ पर, और मेव, बुचर और सोल्जर बॉय निकल लेते हैं सबको यहाँ पर लॉक करके, बाकी के जनों को, पर ये लोग रुकने वाले थोड़ी है, निकल लिए सेफ तोड़ के, और दवाई ढूंढते हैं जिससे ये लोग सोल्जर बॉय को बेहोश कर सके, बनाते हैं बेसिकली जी ना किसी लैब में जाके, मतलब वॉट की लैब में जाके ये लोग दवाई बनाते हैं, साइंटिस्ट भी हैं ये लोग, फ्रेंची बनाता है। इसके बाद फाइनल क्लाइमैक्स शुरू हुआ, जहाँ पर काफ़ी दल बदलू चीज़ें हमें देखने को मिली, जहाँ पर होमलैंडर सोल्जर बॉय को अपना बेटा रैन दिखाता है कि ये देखो ये तुम्हारा पोता है, और उधर बुचर उसे बोलता है कि ये सब झूठ है, पर सही है यार सोल्जर बॉय का उसोलो वाला आदमी है, क्योंकि होमलैंडर को उसने पाला पोसा नहीं है तो उसे लगता है कि वो कमज़ोर है, इसलिए वो उसे मारता है। पर इधर रैन बीच में आता है तो उसे भी चोट लग जाती है, इसलिए होमलैंडर गुस्सा हो जाता है और बुचर भी, इसलिए वो सोल्जर बॉय से लड़ता है, बुचर सोल्जर बॉय से लड़ता है और बुचर उसे काफ़ी अच्छी टक्कर भी देता है। उधर मेव होमलैंडर से लड़ती है और अपनी एक आंख भी फोड़वा लेती है, दोनों तरफ बढ़िया लड़ाई चल रही है एकदम। एक पल को लगता है मेव तो गई, पर होमलैंडर को उसने एक बढ़िया टक्कर दी।
मे बी वो उसे मारने की पूरी कोशिश नहीं कर रहा था, ऐसा भी लगा। एंड में सोल्जर बॉय पूरा जब चार्ज्ड अप हो जाता है और अपनी मतलब ब्लास्ट छोड़ने वाला होता है ना रेडियो एक्टिव वाला, और सामने बुचर की गैंग खड़ी होती है, तब लगता है कि यार गेम खत्म। लेकिन मेव अपना बदला छोड़ के मतलब होमलैंडर से लड़ना छोड़ के सोल्जर बॉय को बिल्डिंग से लेके बाहर कूद जाती है शीशा तोड़ के और सबको बचाती है। मुझे लगता है कि उसे होमलैंडर को उठा के उसके सामने पटक देना चाहिए था जब सोल्जर बॉय ब्लास्ट छोड़ रहा था, और उस टाइम उसका काम खत्म हो जाता। ये सारे लोग भाग नहीं सकते थे क्या वैसे? कितना ही पकड़ लेता सोल्जर बॉय इनको। अब इसके बाद जब ब्लास्ट होता है तो उसके हिसाब से मेव मर चुकी है लोगों ने जो देखा, लेकिन वो जिंदा है और सोल्जर बॉय भी जिंदा है। ये साला बहुत ड्यूरेबल है, मुझे लगता है होमलैंडर इससे कितना भी पीट ले, कितना भी मतलब चाकू छुरी खंजर कुछ भी मार ले, ये नहीं मरेगा। बुचर भी इसके बाद हॉस्पिटल से रिकवर होकर अड्डे पे आ गया वापस। अब उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि उसने टेम्प भी लिया था, उसे ले लेना चाहिए था यार परमानेंट कंपाउंड भी, फिर उसकी फेट डिसाइड हो जाती क्योंकि मरने वाला तो है ही। आपने ये एपिसोड देख लिया तो बताना कैसा लगा, क्योंकि अगले सीजन में फाइट्स अच्छे सुपर लेवल पे होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर रेयान भी अब होमलैंडर के साथ जुड़ चुका है और वो उसकी तरह ईविल बन चुका है और लोग भी उसे सपोर्ट कर रहे हैं। वेल, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय।